जी हमारे पास ये टोटल फ्लक्स जो होंगे फाइव ई विल बी इक्वल टू सम ऑफ़ ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल दिस पैचेस जो यहाँ पर हमने कंसिडर किए हैं अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम इस वो शॉर्ट करना चाहें सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्शंस पे जाएंगे यहाँ पर देखें जो वैक्टर एरिया है डेल्टा ए ये इसकी डायरेक्शन भी देखें इस पैच के नॉर्मल होगी और इसके सेंटर में जो से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइंस पास कर रही हैं उसकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वो ई होगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम इसी तरह से ही होगी यानी डेल्टा ए और ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे ई एंड डेल्टा ए आर पैरेलल फॉर ऑल दी पैचेस तो इसी हिसाब से हमारे पास जो फाइव ई टोटल था वो ई वन डेल्टा ए वन ज़ीरो डिग्री हो जाएगा ठीक है अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा तो उस हिसाब से हमारे पास जो ई वन डॉट डेल्टा ए वन था वो हो जाएगा ई वन डेल्टा ए वन ऑफ ज़ीरो डिग्री प्लस सोन हर पैच के लिए हम इस तरह से इस रिलेशन को खोलेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास कॉ जीरो डिग्री वन होता है हमेशा तो इसमें आ जाएगा ई वन डेल्टा ए वन ई टू डेल्टा ए टू अपू सन एन डॉट डेल्टा ए एम ऑल सर्फिस एलिमेंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द सेंटर अब देखेंगे एलिमेंट्स जो एरिया एलिमेंट्स हमने बनाए हुए हैं ये जो स्मॉल पैच हैं ये कहाँ पे हैं ये सर्फिस ऑफ द सफेयर के ऊपर हैं और जो चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सेंटर के ऊपर मौजूद है तो चूंकि इस सेंटर से जो तमाम के तमाम पैचेस या एरिया एलिमेंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं इक्वल क्यों है कि तमाम के तमाम ये पैचेस किसके ऊपर बने हैं सरफेस ऑफ द सफियर के ऊपर बने हैं जबकि ये चार्ज जो है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है तो इसलिए सरफेस का हर पॉइंट जो होगा वो चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा इस वजह से जो एरिया एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफियर तो चूंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होंगे तो हर पैच के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी तमाम पैज के लिए तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ई वन इज इक्वल टू ई टू विच इज इक्वल टू ई थ्री विच इज अगर हम करें तो वो तमाम के तमाम इंटेंसिटीज इक्वल हो जाएंगी ई के सपोज हम से हम कह देते हैं इक्वल तो इस वजह से जहां जहां हम ई वन ई टू थ्री पुट कर रहे थे हम तमाम रिलेशन में जस्ट ई e ही पुट करेंगे ठीक है अब देखिए हमारे पास ई जो है वो कॉन्स्टेंट है तो इन तमाम रिलेशन में से हम ई e को बाहर निकाल लेंगे तमाम के एरियाज हमारे पास रह जाएंगे इन एरियाज को हम सम कर लेंगे तो ये सम ऑफ द एरिया क्या है सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ऑफ द दर्फेस ऑफ सफियर तो अब सर्फेस ऑफ स्वीयर हमारे पास आ गई है इस सर्फेस ऑफ स्पीयर के एरिया हमें मालूम है क्या होता है फोर पाई आर स्क्वेयर ये फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा सर्फेस एरिया ऑफ द सफियर विच इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वेयर अब जो इलेक्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में, में देखें तो हमारे पास इक्वल होती है फोर क्यू आर ये वैल्यू हम पर करेंगे इस तरीके से फोर पार, फोर पार से, से हमारे पास सिलेशन निकल आएगा फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय साइल नॉट इट मींस के फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सर्फिस क्लोज सर्फिस कौन सी है सफियर इज इक्वलोड इन दिस सर्फेस जो ये इस सर्फेस में जो चार्ज एंड क्लोज था उसके मतलब फ्लक्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे और रिलेशन बनेगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू वन ओवर इफाइल टाइम्स दार्ज एंड क्लोज इन दिस अब अगर हम देखेंगे हमारे पास जो पहले अरेंजमेंट थी वो ये था कि चार्ज था सेंटर पे हमारे पास एक सफियर था और अगर हम इसको एक किसी और क्लोज सरफेस के अंदर आ, जो है बंद कर दें इसे और इस क्लोज सरफेस में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे सब कुछ देखेंगे और अगर हम निकालें इस इरेगुलर शेप्ड हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उसमें सेम हमारे पास यही आंसर आएगा क्यूबाई साइल तो इस वजह से हम जो है ये कंक्लूजन यहां पर दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैल्यू हमारे पास निकली है फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ दिस सर्फेस यानी इसकी शेप कैसी है सर्फेस की जिसमें से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहे, चाह चाह रहे हैं उसकी कोई भी शेप हो कोई भी उसकी ज्योमेट्री हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ ऑफ द शेप आर ज्योमेट्री दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप आर ज्योमेट्री जो डिपेंडेंस है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसके ऊपर होती है मीडियम के ऊपर यानी कि इस मीडियम में हम कर रहे हैं और दूसरा चार्ज एनक्लोज के कि, कितना चार्ज उसके अंदर एनक्लोज हुआ हुआ है जैसे ये हमारे पास रिलेशन बता रहा है एफसेलोन ऑट हमें शो कर रहा है मीडियम को और जो क्यू है ये चार्ज को शो कर रहा है इट मीन्स कि अगर हम रिलेशन पर भी जाएं तो हमारे पास यहाँ से दो चीजें निकल आती हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन दी चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन दी मीडियम एफसेलोन ऑट बेसिकली ये मीडियम को शो कर रहा है यहां पर किसी किस्म का ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमें बताए कि कैसी जोमेट्री हो क्लोज सरफेस की तो उसमें से फ्लक्स की वैल्यूज चेंज होंगी या किस तरह से होंगी ये इंडिपेंडेंट होता है हमेशा शेप या जोमेट्री से